हाय एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो अभी ना शाम का समय है, करीब 4-5 बजे हैं और मैं ना सफाई करके निपटी हुई हूँ। और आप समझ सकते हो, दिवाली आ गई है यार, तो कितनी सारी घर में सफाई लगती है। तो मेरे तो ना आज उठते नहीं बन रहा था, इतनी हालत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था बस उठूँ ना, लेटी रहूँ। बट यार काम तो करना ही पड़ेगा, कहाँ तक नहीं करूँगी। इस टाइम तो वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो भी रुक रुक के आ रही है। अभी घूमने चली गई थी तो उस टाइम वीडियो रेगुलर नहीं आ पाई। और अभी मैं आई हूँ, 2-3 दिन ही हुए हैं चित्रकूट से घूम करके, और बस घर पे साफ़ सफाई में लग गई। और पता, आपके साथ एक बात शेयर करनी थी, मेरे मन में था तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा ना बर्थडे आने वाला है, और इस बार ना बर्थडे ऐसे टाइम पे पड़ रहा है, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ पूरी लाइफ में। मतलब मैं कितने साल की हो गई, मैं 32, 32 साल की हो जाऊंगी। बट 32 साल में पहली बार ऐसा हुआ। छोटे का तो याद नहीं यार, मम्मी लोग तो जानते नहीं है बर्थडे वर्थडे को। अब मनने लगे, अब याद रहता है। लेकिन जहाँ तक मुझे होश है, मतलब आप मान लीजिए 8th क्लास से मुझे इतना याद है कि हर साल मैं अपना बर्थडे याद रखती हूँ, सेलिब्रेशन भी कर लेती हूँ। कुछ नहीं तो क्लास में तो सेलिब्रेशन हो ही जाता है, तो याद है। तो इस टाइम वैसे ही टाइम पे कभी नहीं पड़ा जैसे इस बार पड़ रहा है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और बताती हूँ, आप वेट करिए कब पड़ रहा है। परसों क्या है ये बताइए, नहीं, कल कल, आज ये वीडियो तो कल जाएगी ना, तो कल क्या है ये बताइए। कल है करवा चौथ, है ना, करवा चौथ है। तो मेरा बर्थडे ना इस बार करवा चौथ पर पड़ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 13 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, और इस बार करवा चौथ को है, और मैं करवा चौथ व्रत भी रहती हूँ। अब मुझे यही लग रहा, व्रत वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन मेरा बर्थडे है। और मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को, एंतोसी के पापा को पता है बर्थडे या नहीं, क्योंकि वो जब मेरी शादी हुई थी ना तो स्टार्टिंग में भूल जाते थे मेरा बर्थडे। तो मैं ना खूब रो रो कर उनसे झगड़ा करती थी, आप मेरा बर्थडे भूल जाते हैं, हम तो आपका कभी नहीं भूलते। क्योंकि सच में मैं उनका बर्थडे नहीं भूलती हूँ, हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अभी 2 साल से तो वो नहीं भूले, लेकिन बच्चे याद करा देते हैं। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना तो बच्चों को याद है और ना तोसी के पापा को, क्योंकि बच्चों को याद होता तो वो तो उछल उछल के बताते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तोसी के पापा को पता है। अभी आने वाले हैं, फिर मैं आपके सामने पूछूंगी, ठीक है, ऑन कैमरा पूछूंगी क्या है रिएक्शन इनका, इनको पता है कि नहीं। तो मतलब ये नहीं कहूँगी, ये नहीं बताऊँगी कि मेरा बर्थडे है क्या है, बस ये पूछूंगी कि कल क्या है, ठीक है, फिर आपको बताती हूँ इनका रिएक्शन क्या रहता है। तो आपको इनका रिएक्शन दिखाती हूँ, ठीक है, फिर बताइएगा आप लोगों के साथ कैसा होता है। आप लोगों के हस्बैंड को याद रहता है आपका बर्थडे, वो नहीं रहता तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, गुस्सा आती होगी, है ना। क्योंकि हम लेडीज़ को लगता है यार कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत, मतलब मैंने देखा है जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ को ज़्यादा रहती है इन चीज़ों में कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी सी खुशियाँ ये मतलब समेट लें, हस्बैंड का हो या बच्चों का हो। तो हम लोगों को बहुत लगता है कि उनका केक कट जाए, उनका थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर दें। लेकिन जेंट्स लोगों को इतना ज़्यादा अभी कुछ उनको रहता नहीं है। फिलहाल देखते हैं, मैं इस बार देखती हूँ क्या है, अगर भूल गए तो मैं पक्का उनसे नाराज़ हो जाऊँगी। चलो तो वो आ जाए, अभी मार्केट गए हैं। तो लो फ्रेंड्स, आ गए हैं तोसी और तोसी के पापा मार्केट से। अब मोबाइल ही देखते रहो, हमारी बात तो सुनो कम से कम। बोला बोला, हम ये कह रहे अभी मार्केट गए थे आप। हाँ, चाउमीन ले आए, मोमोज ले आए। इतनी देर काहे लगा दी? एक पैंट लेने लगे। अच्छा, पैंट ले रहे थे अपने लाने। अच्छा जी, कह रहे परसों करवा चौथ है हम व्रत में। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ भी है क्या परसों? गुरुवार और कुछ नहीं है। कल परसों कौन सी तारीख है? 13 अक्टूबर है, और कुछ नहीं है ना करवा चौथ? नहीं, करवा चौथ भर है। अच्छा, आज पता हमने दिन भर सफाई करी, पूरे दिन सुबह से लगे रहे। लग भी रही सफाई, खुद ने तो करवाई नहीं है, लग भी रही सफाई, बड़े आए साफ सुथरा। अरे पता, आज तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है ठीक है। पंप अब न लिया करो, बहुत ज्यादा खराब चल रही, रोज रोज पंप लेते हो। चलो ठीक है, ऐसे ही पूछना था कुछ, ऐसा ही। क्या पूछना था? अरे ऐसा ही, यही पूछ रहे थे, याद है कि नहीं कल करवा चौथ है, परसों? परसों है ना, याद है। ठीक है। हाँ? बेटा? हाँ? तो सी सुनो, हाँ? परसों पता हम व्रत रहेंगे करवा चौथ। नहीं बताए। और कुछ नहीं है? नहीं, आज थर्सडे है।
नहीं होता। तन्वी, पापा और तोसी को ना हमने एक चीज पूछी, उनको याद नहीं था, मम्मा आपसे और पूछ रहे, पता परसों 13 अक्टूबर है, कुछ है आपको पता है 13 अक्टूबर में क्या होता? क्या होता? बर्थडे। किसका बर्थडे? मम्मी। हाय मेरा बच्चा, जो ये मौसम सबसे अच्छी बच्चा। तोसी बड़ी दुष्ट है, तोसी को याद नहीं, पापा को याद नहीं, मम्मी का बर्थडे में भैया को याद है। भैया जी बताओ, पापा हमसे हमारा बर्थडे भूल गए, तोसी भूल गई, आपको याद है? कैसे याद था? मम्मी सुनो। सुनो पता, आपका बर्थडे मन ना, तो यार चॉकलेट कैसे बांटोगी? आप तो स्कूल जाती ही नहीं हो। हम चॉकलेट बांटेंगे क्या? हमारा तो ब्रेथ है, उस दिन तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा। करवा चौथ वाले दिन पड़ रहा मेरा बर्थडे। हाथ से नहीं खाते, चलो केक नहीं खा पाओगी? केक नहीं खा पाऊ, कुछ नहीं, कुछ होने नहीं, जब तुम्हें पापा को याद नहीं, तोसी को याद नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा? केक चलो हटाओ, स्पून से खाओ, उससे नहीं खाओ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, तोसी के पापा ने साफ कह दिया क्या है, कल करवा चौथ है और क्या है, उन्होंने मेरा बर्थडे याद नहीं उनको, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मन ही मन में ये शक सी हो रही है, जैसे उनको पता हो। क्यों पता क्यों? क्योंकि आज अचानक से बोले तोसी को बाजार जाना है, चलो हम मार्केट लेवा चलो, जबकि तबीयत सही नहीं चल रही बिल्कुल। आए, पंप लिया दो बार, तोसी को बुलाया तो मैंने बहुत कहा यार तबीयत सही नहीं है तो मत जाओ मार्केट, बोले नहीं नहीं जाना है, तोसी 2-3 दिन से कह रही, तो मुझे थोड़ा सा लगा यार अजीब सा, कितना इनको कहाँ से हो गया तबीयत खराब में जबरदस्ती जाने में लगे। फिर चले गए और तोसी भी मेरे को कुछ नहीं बता रही थी, और ना मार्केट से जहाँ इनको बहुत कम टाइम लगता है वहाँ इनको बहुत देर लगी, तो मुझे ऐसा डाउट है जैसे इनको मेरे बर्थडे के बारे में पता हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता ना पता हो। मैं आगे ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी क्या होता है, बने रहिएगा अगले ब्लॉग में। बाय बाय।